वेलकम यू ऑल मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट। आज हम बात करने वाले कि एसोसिएशन रूल माइनिंग बोल दो या लर्निंग बोल दो आखिर होती क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी एल्गोरिथम्स आती है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले इट इज़ अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक, यानी कि डेटा सेट कैसा होगा, अनलेबल्ड होगा पहली बात, साथ ही साथ कोई सुपरविजन इसके अंदर नहीं होगा। टेक्निक डैट चेक फॉर डिपेंडेंसी ऑफ वन डेटा आइटम ऑन अनदर डेटा आइटम एंड मैप्स अकॉर्डिंग सो डैट इट कैन बी मोर प्रॉफिटेबल। अब ये बोल रहा है कि एक आइटम दूसरे आइटम के ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी चेक करने के लिए क्या चाहिए, एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको बेटर एग्जांपल से। सपोज कीजिए आप किसी मार्केट शॉप पर गए, वहाँ पर आपने मिल्क खरीदा और मिल्क खरीदने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर चांस बनते कि आप ब्रेड भी खरीद लो, क्योंकि आप हो सकता है कि ब्रेड खाते हो मिल्क के साथ, हो सकता है कि ब्रेड ले रहे हो तो बटर ले लो आप। तो क्या हो रहा है, मिल्क लेने पे ऑटोमेटिक ब्रेड और बटर का नाम आ रहा है ना कहीं ये इससे डिपेंडेंट है ना कि मिल्क बिकेगा तो हो सकता है कि बटर और है ना ब्रेड बिक जाए। तो ये डिपेंडेंसी कैसे पता चली, यही तो होता है एसोसिएशन रूल लर्निंग, जो बताता है कि कितनी डिपेंडेंसी है एक आइटम की दूसरे आइटम के ऊपर। इसको तीन एल्गोरिथम के बेस पर अपन कर सकते हैं, अप्रायोरी एक्लेट एफ पी ग्रोथ एल्गोरिथम, ये जो काम करती है वो करती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के ऊपर, ये वाली जो है ये इसका एडवांस वर्जन है, तो ये भी BFS पे काम करती है। ये वाली काम करती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसके कारण ये थोड़ी फास्टर होती है, ठीक है, DFS पे काम करती है। तो ये तीनों एल्गोरिथम अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल बात करता हूँ इसकी वर्किंग की, किसकी, एसोसिएशन रूल लर्निंग की। तो इसके अंदर तीन चीज़ आती है, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट। होता क्या है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज आर सपोर्ट, इट इज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, ए का अर्थ मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए इफ ए जो है देन बी, इसका अर्थ यहाँ पर है, सपोज कीजिए ए आपका मिल्क है, अगर आप मिल्क खरीदते हो तो यहाँ पर आपको ब्रेड लेने के चांस बनते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इट इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार ए की जगह एक्स ले लो, यहाँ पर डेटा सेट आपका, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो गया सपोर्ट एक्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स अपॉन टी, टी योर ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, इट इट इंडिकेट्स हाउ ओपन द आइटम एक्स एंड वाई अकर टुगेदर इन द डेटा सेट वेन द अकरेंस ऑफ एक्स इज ऑलरेडी गिवन। तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी एक्स कोमा वाई अपॉन फ्रीक्वेंसी एक्स, क्योंकि एक्स ऑलरेडी गिवन है। लिफ्ट, इट इज ए स्ट्रेंथ ऑफ एनी रूल, तो इसका फॉर्मूला होता है सपोर्ट ऑफ एक्स कोमा वाई, जो अपन यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, सपोर्ट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई सपोर्ट ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पर लिफ्ट का फॉर्मूला निकल जाता है, लिफ्ट अगर वन है तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि सपोज कीजिए मिल्क एंड ए सोप, ठीक है, या मिल्क ऑफ डिटर्जेंट, मिल्क एंड डिटर्जेंट आर टोटली इंडिपेंडेंट। मिल्क लेने जाओगे तो हो सकता है कि आप डिटर्जेंट खरीद लो, नहीं, डिपेंडेंसी नहीं आ रही। लिफ्ट की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो डिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। अब लिफ्ट लेस देन वन, वन आइटम इज सब्स्टिट्यूट फॉर अदर आइटम, यानी कि एक आइटम को खरीदने से दूसरे आइटम पे प्रभाव पड़ता है, ये भी होता है, ठीक है, ये कॉम्पिटिशन के केस में होता है। तो लिफ्ट लेस देन वन के केस में एप्लीकेशन वही मार्केट बास्केट एनालिसिस, लाइक मिल्क खरीदने जाते हो तो ब्रेड बटर लेने के चांसेस होते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस, आप कोई मेडिसिन लेते हो पैरासीटामोल, उसके साथ गेस्टी की भी मेडिसिन लगा देते हैं वो, और दो तीन मेडिसिन ऐड कर देते हैं ताकि आपके हार्मफुल रिएक्शन ना हो, ठीक है, तो मेडिकल डायग्नोसिस में हो जाता है। प्रोटीन सीक्वेंस में भी इसको देखने को मिलता है। तो ये था हमारा एसोसिएशन रूल माइनिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे अप्रायोरिटी एल्गोरिथम, फिर नेक्स्ट वन में FP ग्रोथ एल्गोरिथम, देन फर्दर दूसरी एल्गोरिथम। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।